आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। पितर पक्ष हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें पूर्वजों का स्मरण और उनका श्राद्ध किया जाता है। यह पर्व आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है जो आमतौर पर सितंबर से अक्टूबर के महीनों में पड़ता है। पितर पक्ष का महत्व यह है कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। हम आज आपको पितर पक्ष की तिथियों के बारे में भी बताने जा रहे हैं। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा लिखना न भूलिए। इस तरह की मान्यता है कि पितर पक्ष का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। हिंदू मान्यता के अनुसार हमारे पूर्वजों की आत्माएं इस पर्व के दौरान पृथ्वी पर आती है और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध से तृप्त होती है। श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है और उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा पितर पक्ष में श्राद्ध करने से वंशजों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। पितर पक्ष के दौरान हिंदू लोग कई धार्मिक कार्य करते हैं जिनमें शामिल बहुत सारी बातें शामिल है। इसमें श्राद्ध सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें पूर्वजों की आत्माओं का तर्पण किया जाता है। श्राद्ध में पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाता है और पूर्वजों के नाम का हवन किया जाता है। श्राद्ध में पितरों को भोजन जल और दक्षिणा अर्पित की जाती है। तर्पण में जल का प्रयोग किया जाता है जिससे पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त किया जाता है। तर्पण करने के लिए जल में कुछ सामग्री मिलाई जाती है जैसे तिल कुश दूध आदि। साथ ही पितर पूजा में पूर्वजों की प्रतिमाओं या चित्रों की पूजा की जाती है। पूजा में पुष्प अक्षत गंध आदि अर्पित किए जाते हैं। पितर पक्ष के दौरान पंडित की सेवा करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडित को दक्षिणा दी जाती है और उनका आदर किया जाता है। पितर पक्ष में दान करना भी पुण्य का कार्य माना जाता है। अन्न वस्त्र धन आदि का दान किया जा सकता है। पितर पक्ष के दौरान जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए उनमें प्रमुख है, पितर पक्ष के दौरान शोक नहीं मनाना चाहिए, इस समय मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, पूर्वजों के नाम का हवन करना चाहिए, पंडित की सेवा करना चाहिए, दान करना चाहिए। पितर पक्ष के दौरान अपने पूर्वजों के बारे में सोचना चाहिए और उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। पितर पक्ष का सामाजिक महत्व भी अत्यधिक है। यह पर्व परिवार के सदस्यों को एक साथ लाता है और उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में बात करने का अवसर प्रदान करता है। पितर पक्ष के दौरान परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और अपने पूर्वजों के संस्कारों को याद करते हैं। पितर पक्ष हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें पूर्वजों का स्मरण और श्राद्ध किया जाता है। यह पर्व हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। पितर पक्ष में किए जाने वाले धार्मिक कार्यों से पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है और उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा पितर पक्ष में श्राद्ध करने से वंशजों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। पितर पक्ष का सामाजिक महत्व भी अत्यधिक है क्योंकि यह पर्व परिवार के सदस्यों को एक साथ लाता है और उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में बात करने का अवसर प्रदान करता है। आइए अब जानते हैं पितर पक्ष की तिथियों के संबंध में। पितर पक्ष बुधवार 18 सितंबर से आरंभ हो रहा है। 18 सितंबर 2024 को प्रतिपदा श्राद्ध रहेगा। अश्विन माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 18 सितंबर को सुबह 8:04 से लेकर 19 सितंबर सुबह 4:19 तक रहेगी। बृहस्पतिवार 19 सितंबर 2024 को द्वितीय श्राद्ध होगा। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि 19 सितंबर को सुबह 4:19 से लेकर 20 सितंबर को प्रातःकाल 12:39 तक रहेगी। शुक्रवार 20 सितंबर 2024 को तृतीय श्राद्ध होग।
अश्विन माह कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 20 सितंबर को सुबह 12:39 से लेकर रात 9:15 तक रहेगी। इसके बाद शनिवार 21 सितंबर 2024 को चतुर्थी श्राद्ध रहेगा। अश्विन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 सितंबर को रात 9:15 से लेकर 21 सितंबर को सायं 6:13 तक रहेगी। रविवार 22 सितंबर 2024 को पंचमी श्राद्ध रहेगा। अश्विन माह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 21 सितंबर को शाम 6:13 से लेकर 22 सितंबर को दोपहर 3:34 तक रहेगी। सोमवार 23 सितंबर 2024 को षष्ठी श्राद्ध होगा। अश्विन माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 22 सितंबर को दोपहर 3:43 से 23 सितंबर को दोपहर 1:50 तक रहेगी। मंगलवार 24 सितंबर 2024 को सप्तमी श्राद्ध होगा। अश्विन माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 23 सितंबर से दोपहर 1:50 से लेकर 24 सितंबर को दोपहर 12:38 तक रहेगी। बुधवार 25 सितंबर 2024 को अष्टमी श्राद्ध रहेगा। अश्विन माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 से 25 सितंबर को दोपहर 12:10 तक रहेगी। बृहस्पतिवार 26 सितंबर 2024 को नवमी श्राद्ध रहेगा। अश्विन माह कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि 25 सितंबर को दोपहर 12:10 से 26 सितंबर को दोपहर 12:25 तक रहेगी। शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को दशमी श्राद्ध रहेगा। अश्विन माह कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि 26 सितंबर को दोपहर 12:25 से 27 सितंबर दोपहर 1:20 तक रहेगी। शनिवार 28 सितंबर 2024 को एकादशी श्राद्ध होगा। अश्विन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 सितंबर दोपहर 1:20 से 28 सितंबर को दोपहर 2:49 तक रहेगी। रविवार 29 सितंबर 2024 को द्वादशी का श्राद्ध रहेगा। अश्विन माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 28 सितंबर को दोपहर 2:49 से 29 सितंबर को शाम 4:47 तक रहेगी। सोमवार 30 सितंबर 2024 को त्रयोदशी का श्राद्ध रहेगा। अश्विन माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 सितंबर को शाम 4:47 से 30 सितंबर को शाम 7:06 तक रहेगी। मंगलवार 1 अक्टूबर 2024 को चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा। अश्विन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 30 सितंबर को शाम 7:06 से 1 अक्टूबर को रात 9:34 तक रहेगी। इसके उपरांत बुधवार 2 अक्टूबर 2024 को अमावस्या का श्राद्ध रहेगा। अश्विन माह की अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर को रात 9:34 से 3 अक्टूबर को सुबह 12:18 तक रहेगी। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।